नेपाल जाने की खुशी, नेपाल की खुशी में डांस किया जा रहा है। अभी इसका पेट्रोल खत्म हो गया, बिना इसके हाथ कांपते हैं। हाथ आपकी गाड़ी के साथ एक फोटो ले लीजिए। शुरुआत है अभी एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ, और लास्ट वीडियो देखी होगी तो हम निकल गए हैं नेपाल ट्रिप के लिए, और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है, इडली डोसा परांठा डोसा। तो एक ही बंदा है जो अनहेल्दी खाएगा, बाकी सब कोशिश करेंगे इस ट्रिप पर हेल्दी खाने की। और यहाँ पर अभी हमें 10:10 हो गए और खाते पीते लग रहा है 11 हम निकल लेंगे, और अयोध्या जो दिखा रहा है 4 दिखा रहा है, तो 4 नहीं तो 5-6 तक हम पहुँच जाएंगे। चलो चलिए जी, जो पहला ब्रेक लिया है ना हमने, जो ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया है वो फर्स्ट टाइम है कि हमने ज़्यादा लंबा नहीं लिया। 11 बज रहे हैं, जो ट्रिप की शुरुआत हुई है तो उससे लग रहा है मुझे कि हमारे ब्रेक ज़्यादा लंबे होंगे नहीं, जल्दी निकल जाएंगे। मतलब हमारे राइडर सुधर गए हैं, ज़्यादा रेस्ट कर नहीं रहे हैं, नहीं तो हर ट्रिप पे इतना टाइम लगता था, जहाँ रुके तो समझो 2-3 गए, लेकिन हम अराउंड 10:15 रुके हैं और 11 निकल गए। और ये हम छोड़ रहे हैं आगरा वाला जो एक्सप्रेसवे था, जिधर से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, और राइड का एक अलग ही मजा है इस पे। और ये भी बिल्कुल खाली रोड है पूरा ना, और जब भी इस रोड पे आओगे ना तो ये याद रखना पेट्रोल टैंक फुल करा के आना, क्योंकि पूरे रोड पे कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। मतलब एक्सप्रेसवे पे एक या दो पेट्रोल पंप है, मेरे साथ हो चुका है बाइक में भी, और वैसे भी अभिषेक है इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसने 1 की बोतल में अलग से पेट्रोल रख लिया है। अपना तो जो टैंक है 30 का है, तो एक बार फुल कराने के बाद 500-600 चल जाती है, तो इसलिए मैंने फुल भी करा ही लिया था पीछे, अभी ये पूरा चल जाएगी। और ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे फर्स्ट टोल हमारा आ गया है, और यहाँ देखते हैं कितना टोल लगता है, जानकारी आपको देते रहेंगे। कितने रुपये हैं टोल एक का? 300 पर्ची दे दो, तो 300 वहाँ पर, 200 यहाँ पर, लेकिन 500 में जो मज़े लिए हैं ना हमने उड़ाते हुए, पेट्रोल खत्म। इस पर स्पीड ज़्यादा रहती है ना, इसलिए ज़्यादा पीता है। मैं भी बाइक में यही नोटिस कर रहा हूँ, वैसे देखो रीडिंग मेरी 408 है, और जब मैंने स्पीड में चलाई थी जब 200 कुछ आ गई थी, ऐसे 550-600 दिखाता है, और इसकी पे तो ख़त्म ही हो गया। उड़ा रहे हो ना आप, इसलिए ख़त्म हो गया। देख लेना पेट्रोल जो मिले डलवा लेना। अभी ना अनमोल और अभिषेक पीछे रह गए हैं, तो मैंने बाइक स्लो कर ली, अभी जो स्पीड है 60 की है, 60 पे मैंने क्रूज़ लगाया हुआ है, और आप ऊपर देखोगे तो दिखा रहा है 438 चलेगी, जिसमें मैं काफ़ी चला चुका हूँ, और पहले 300 कुछ दिखा रहा था, इतना चलाने के बाद भी 438 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ना चलाने पे बहुत डिपेंड करता है। काफ़ी लोग इसकी एवरेज पूछते हैं, हायबूसा की एवरेज पूछते हैं, आज भी मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आया हुआ था कि हायबूसा की एवरेज बता दो, तो एवरेज फुल आपके ऊपर चलाने के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब अभिषेक बहुत तेज़ चला रहा है, मतलब वो 310 सीसी होने के बाद उसे 150-160 चला रहा है, तो उसकी बाइक का बहुत जल्दी फ्यूल ख़त्म हो गया। मतलब कितना चलाया हमने वहाँ से टैंक फुल करा के, मुश्किल से 100-125 और उसके टैंक फुल था जो ख़त्म हो गया, और इसी वजह से अब वो स्लो चला रहा है। लेकिन नज़ारे बढ़िया, अपना धीरे धीरे चलते रहो और व्यू के आनंद लेते रहो। लखनऊ यहाँ से 262 है, और अनमोल और अभिषेक ना मेरे से 70-80 पीछे हैं, जिसमें मैं ना 60 की स्पीड से बहुत देर से चला रहा हूँ क्योंकि वो आ ही नहीं रहे थे, तो अब वो पीछे रुक गए हैं, लेकिन मैं अपना धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो अभी मुझे रुकना ही पड़ा क्योंकि अभिषेक और अनमोल जो हैं काफ़ी पीछे हैं, अराउंड मेरे से 50-70 पीछे होंगे, और बात हुई है उनसे तो मैंने लोकेशन भेज दी है यहाँ की, यहाँ एक ये ढाबा दिख गया था फूड किंग प्लाजा, तो यहाँ पर रुका हूँ और अब वेट करता हूँ, और उसकी बाइक में पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है और पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या करेंगे, नहीं तो मुझे ही वापस जाना पड़ेगा शायद। ये ढाबा है पीछे, तो यहाँ पर रुके हैं। मन नहीं करता यार, जब एक बार बाइक में मज़ा आने लगे ना तो मन करता है बस चलाते रहो, लेकिन चलो वेट करते हैं। कुछ मिठाई और ये सब ना मैं घर से साथ लेके आ गया था, जो अब काम आ रही है, क्योंकि पीछे जो खाया ना मतलब टेस्ट ही नहीं था उस खाने का, ना डोसा अच्छा था ना बाकी कुछ अच्छा था, चाय तक अच्छी नहीं थी, तो जब तक वो आते हैं तो थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ, बाकी शेयर करके खाएंगे, फिर देखते हैं अगर कुछ लेना होगा। मेन तो उनको कह रहे हैं पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल पंप बिल्कुल साथ में ही है। यहाँ पे पेट्रोल पंप है ना, तो अपना तो उसका काम ये रहा ना।
और ये देख लो लेट लतीफ रास्ते में रुक रुक के सो रहे हैं, बहुत नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है क्योंकि रोड कुछ ऐसा, लेकिन चलाने में मजा भी आ रहा है। मजा तो आ रहा। लेकिन इतना थोड़ी रुकना है। अभिषेक को फोन किया, कह रहा वो बाइक पे ही सोया हुआ है। Muévete pa'lante, después pa' atrás. Acércate bonita, quédate acá. Suena la campana, la campanita. Muévete con la rumba, mami bonita. La extrema de te llama, chiquita rica. Con tremenda elegancia. ¿Bike dekh rahe hain? Hamari gaadi se zyada power hai. Aage 2 ghante ka ho raha hai, rukenge na Lucknow mein. BMW ke 6-7 ghante. BMW ki tum car dekhna chahti thi, bike dekh lo. Car to bahut dikh jayengi, bike nahi dikhegi. एक तो मैं कैप नहीं लाया तो ये पहनना पड़ रहा है, और ऊपर से इसके निशान भी पड़ रहे हैं ऊपर, और ये दाने से और निकल गए। कल रात तक नहीं थे, लास्ट वीडियो में देखोगे नहीं थे, अब हो गए। और जो अभी भैया पूछ रहे थे तो इन्होंने कह दिया रेंट पे लाए हैं बाइक। किस्सा ही खत्म कर दिया क्या, हमें नहीं पता थी कुछ भी रेंट की है। 2000 रुपये पर डे, बस ये पूछा कितना रेंट है कि 2000 पर डे, और वो मान भी गया 2000 पर डे। उसके अलावा हमें ही नहीं पता कुछ। 2000 में मिलेगी का, लेकिन ये सवाल ख़त्म हो गए उनके, आगे पूछ ही नहीं पाए वो कि हमें कुछ नहीं पता। और अभिषेक अभी तक नहीं आया है, फ़ोटो ले लो। चलिए जी, अभिषेक भी आ गया, अरेस्ट भी हो गया, और निकल रहे हैं अब यहाँ से। और मैं तो कह रहा हूँ कि अब लखनऊ रुकना, लेकिन इनका कुछ नहीं पता है। हाँ जी, क्या कंपनी की तरफ से भेजा जाता है? हाँ, कंपनी की तरफ से भेजा जाता है। अपनी खुद की गाड़ी है? नहीं, कंपनी की तरफ से। प्रचार करके आई है ना? हाँ, प्रचार के लिए। हाँ, प्रचार के लिए। कितने की एवरेज होगी इसकी गाड़ी? 15 के करीब। सीसी कितना है इसका? 1250। बाकी कितनी स्पीड से भैया? 200 के करीब। सब फुल टू ऑटोमेटिक है सर। सही है। वैसे यही ना कि रेंट पे बता दो ज़्यादा ठीक है, नहीं एक सवाल के बाद 10 सवाल आते हैं। बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, लेकिन एक दो बार बताओ अच्छा लगता है, 20-20 बार बताना ना थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। सेम क्वेश्चन रहते हैं, स्पीड, एवरेज, प्राइस, कंपनी की है, कंपनी ने दी है, आप खुद लेकर चला रहे हो, किराए की है, क्या है ये? पहले खुद ही कह दो कि किराए की है, फंस गया अनमोल तो। तो भाई एक बार और रुक गए हैं, केशव को नींद आ रही है तो झपकी ले ली उसने एक दो, तो अब रुक गए हैं। मैं तो रास्ते पे अपना 120-130 पे क्रूज़ लगा के वीडियो देखता हुआ जा रहा था आराम से, और अराउंड वहाँ से हम ना जो पहला ब्रेक जो आपने लास्ट शॉट देखा वहाँ से 80-100 किलोमीटर चल भी चुके होंगे। नींद तो मुझे भी आ रही है हल्की हल्की, इस रोड पर यही है प्रॉब्लम ना, खासकर बाइक पर। बाइक पर नींद आती है इस रोड पर? आपकी भी आँखें हो रही है? नींद तो आ रही है। 85 किलोमीटर चल के हमारा ब्रेक ले लिया एक, और केशव सो गया। दो बार गिरते बचा है। गिरते गिरते बचा, सो गया वो। अच्छा, तो मुंह क्यों धो रहे हो? 150 की स्पीड में, वो भी 150 की स्पीड में सो रहा था, पीछे से ऐसे हिल रहा है। तेरे यूं हेलमेट पे टक्कर मारी है इतने। नेपाल जाने की खुशी, नेपाल की खुशी में डांस किया जा रहा है, पहाड़ी डांस, और मजा आ रहा है। इधर व्यू इतना प्यारा है, नज़ारा इतना प्यारा है, मतलब मन नहीं कर रहा आगे जाने का। और इस तरह चलते रहना, मुझे लग रहा है नेपाल के हम तो लखनऊ कल पहुंचेंगे, रुक रुक के हर 50 किलोमीटर बाद 10 किलोमीटर। क्या बात है, क्या बात है, बैक लगा रखे केशव, क्या बात है। Santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la Santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tú vas balao, te han dicho otra vez. Que tu mala Santa ya sabe cómo es, cómo es. Y la Santa canta a todo el mundo de pie. Ay, nena, no te va, ay, no te va. Mueve tu cintura, ahí nada más. भाई साहब अंदर से पसीने पसीने हो गए, जो यहाँ पे भंगड़ा पाया है, मजा आ गया। वीडियो तो थोड़ी बहुत बनाई, लेकिन जो डांस किया है। अभिषेक निकल गया, कह रहा तुम करे जा रहे हो डांस, तुम करो, मैं निकला। और टाइम जो है ना अभी 2:31 हो गए हैं, और यहाँ से मेरे ख्याल से अब 150-140 किलोमीटर रह रहा है, तो मेरे को लगता है पहुँच जाएंगे हम 1.5-2 घंटे में, 3-4 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे आराम से लखनऊ। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में स्वागत होने वाला है। बस 30 किलोमीटर रह गए, और मुस्कुराइए कि बिना रुके, मतलब ना अनमोल रुका ना अभिषेक रुका, बिना रुके हमने अराउंड 130-140, और टाइम इतना कम लगा क्योंकि खुला रोड था तो स्पीड अच्छी रही।
लेकिन मुस्कुराइए, इसका पेट्रोल खत्म हो गया, मतलब 3 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है सिर्फ, 3, अब तो 2 ही दिखा रहा है, 2 किलोमीटर चलेगी, तो इसलिए हमें रुकना पड़ा, इसने ध्यान ही नहीं दिया, मेरी में कैसे दिखा रहा है 84 दिखा रहा है अभी भी। और मुस्कुराइए, इसको नींद भी नहीं आई अब, नहीं तो ये फिर हमें डांस करके नींद को भगाना पड़ता। और मुस्कुराइए, एक बंदा आ ही नहीं रहा है, और मुस्कुराइए, हम कैब भूल गए तो कैसा लग रहे हैं, हम लखनऊ में जब तक रहेंगे ना मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है, कराइए। और ये आ गए। हाँ भाई, 30 लीटर का टैंक है तो क्या हुआ, पहले मुस्कुराइए, हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं हमारे शहर में। और मुस्कुराइए, हम रुके नहीं, सबसे बड़ी बात, पेट्रोल खत्म नहीं होता तो हम अब भी नहीं रुकते। कुछ हो गया है कि इनके भी पेट्रोल खत्म होते हैं जब से बेचारा 2 बार डलवाया, लेकिन अब तो तसल्ली हो गई पेट्रोल है वैसे, है ना, अब इसमें पेट्रोल गिर गया, बच गया भाई, आज धक्का मारना पड़ता, केस मार रहा होता धक्के, आग लगा दू, आग लगा दू, नहीं यार। और आज खून भी इतने किए ना, इतने खून किए हैं, दिखाऊं, देखो ये पूरे मच्छर ही मच्छर, इधर पूरे मच्छर ही मच्छर, और पूरे इधर ये देखो मच्छर मच्छर मच्छर, और हेलमेट पे तो ऐसे आकर लग रहे थे ना, आग बंद हो जाती थी एक बारी के लिए, ये पूरे मच्छर है, और जैसे ही आगे लगते थे ना एकदम आंखों में ऐसे लगता था कुछ आया, और बड़े मच्छर भी थे। और जो पेट्रोल है वो अभिषेक ने कैरी किया हुआ था 1 लीटर, तो अनमोल को दे दिया, तो अब यहाँ से 12 किलोमीटर आगे बता रहे हैं पेट्रोल पंप है, बंदे ठोकर खाकर सीखते हैं, कुछ दूसरों की ठोकर से सीखते हैं, आप लोगों के लिए एक ये सीख है कि इससे सीख लो कि कभी भी एक्सप्रेस वे पे चढ़ो तो पेट्रोल का ध्यान जरूर रखना। और मुश्किल से 8-10 किलोमीटर चल के ही हम नीचे आ गए हैं यहाँ पर लखनऊ के अंदर, और पेट्रोल पंप इधर है, इधर ही तो वो रहा अनमोल, हाँ जी क्या कह रहे हो, चाय पीजिए, चाय पीने का मन नहीं है अभी, और क्या पिएंगे बताइए, क्या है आपके पास, और बियर पिएंगे, बियर, बियर दारू ये पिएंगे, हाँ और क्या पिएंगे बताइए, आपने क्या पिया हुआ है, आप जो मर्जी वो बताइए, आपने क्या पिया हुआ है, हम तो सब पीते रहते हैं, क्या हम हर आधे घंटे पे दारू ना मिली तो हमें आंखें नहीं खुलती, आंखें नहीं खुलती, सो जाते हो तो सो जाओ, क्या दिक्कत आ रही है, जब पढ़ी लिखी लुंडिया धोरे आ रही है, लुढ़क जाए हैं, ये लुढ़क जाए, लुढ़क जाओगे, सो भी आएंगे, अच्छा जब बड़ा भाई बोल रहा है तो बस खत्म हो गई, बड़ा भाई बोल रहे हो तो पियो मत फिर, क्या करें ये आदत बन गई है, अच्छा बिना इसके हाथ कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, सुबह आ जाए दिल्ली की गाड़ी, मैडम लोग हम चाय पकाने के लिए, और मेरे हाथ कांप रहे, वो मेरा हाथ पकड़ ली, हाथ पकड़ ली, हाँ करिए आप ना दीजिए, आप खुद दे दीजिए, अच्छा अब उल्टा चक्कर हो गया है, चक्कर हो गया उल्टा, हमने कहा ये ना हो कि आदमी को पता ले जाएगी, सही बात है वो था भी ऐसे, अच्छा आपको ले जाते हैं वो, उनके पापा कह रहे आप सुंदर है ना बहुत, आप वो बोल रहे इसे शादी करोगे, अच्छा उसके पापा भी कह रहे थे आपसे शादी करोगे, हमने नहीं करनी है, आपने मना किया, हमने कहा हमने नहीं करना, वो करने के लिए तैयार थी, हाँ वो कह रहे थे हम मना कर रहे हैं, आपका फेस मिलता है ना उससे, अनिल कपूर से, सर आपकी गाड़ी के साथ एक फोटो ले लीजिए, मचन मटर सोफर दो, एक क्यों दो लो है ना भैया, इतना पैसा कमाता है तुम लोग कमा नहीं पाओगे, थैंक यू सर, कोई बात भैया, BMW गाड़ी चला रहे हैं, तुम लोग खरीदने को सोचना पड़ेगा, लद्दाख गए थे ना आप लोग, लद्दाख गए थे, मालूम है लद्दाख, अब मालूम क्या है हर बाइक वाला लद्दाख ही जाता है, ये मालूम है, उसे पीछे वाले को बुलाओ, लखनऊ में आपका स्वागत है, और अभिषेक के ना कोई दोस्त आ रहे हैं यहाँ पर, और कौन सा मॉल, फिनिक्स मॉल के बाहर यहाँ वेट कर रहे हैं, और अनमोल भी नहीं आया तो मॉल को भेज दी हमने लोकेशन, लाइव लोकेशन, और यहीं पर हम लंच करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा वहाँ के लिए, अयोध्या 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, और आपको मेरा फेस तो दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन ये देख लो लखनऊ में हमारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत स्वागत है लखनऊ, चले जाते हो, खाना पीना हो गया और खाकर यार मजा आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अब 5 बजे डिनर समझ लो या लंच समझ लो वो किया है, और रात को देखो अयोध्या पहुंच कर क्या करते हैं, और यहाँ से निकल रहे हैं, वैसे तो मना कर रहा है
अनमोल कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जा रहा तो यही बुक कर लो, लेकिन हम जाएंगे। 150 किलोमीटर है बस यहाँ से, उससे के लिए बात नहीं है, उसके लिए दिन क्यों खराब करना 150 के लिए। मैं दिन खराब ही नहीं करूंगा, 4 बजे का हुआ 4 बजे निकल जाऊंगा। वो तो मुझे पता है तुम्हारे 4 कैसे बजेंगे, शाम के 4 बज जाएंगे वो। बस अब निकल रहे हैं खा पी कर, और सुबह जो ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिला था ना यहाँ, पूर्ति हो गई, यहाँ का खाना एक नंबर था। चलो भाई दोबारा स्पेशल सिर्फ लखनऊ आएंगे, ऐसे गले लगाना पड़ेगा। चले, और जहाँ से अभी हमने खाना खाया था वहाँ से निकल गए और एक ये हाईवे पर आ गए हैं, और अभी अयोध्या जा रहे हैं जो कि ना यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर है। तो रात हो गई है, हमें थोड़ा अंधेरे में सफ़र करना होगा, लेकिन साथ साथ जाएंगे तीनों बाइक तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो अनमोल है उसकी में क्लियर वाटर लाइट भी लगी हुई है, और मैं क्यों नहीं लगवा रहा हूँ उसका भी रीज़न है, काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे। कभी फ्यूचर में बताऊँगा, मतलब अभी राइड पर नहीं, कभी बाद में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल हम मज़े लेते हुए आराम से जाएंगे, टेंशन नहीं है। जैसे पहले ना होता था रात में चल रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी होगी, लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है, आराम आराम से चले जाएंगे। क्योंकि एक तो पहाड़ उड़ नहीं है, सिटी है, ऊपर से लाइट लुइट मिल ही जाती है। कि आप लोगों से ना एक बात पूछता हूँ, कमेंट्स में बताना तीनों बाइक में आपको सबसे अच्छी बाइक लग कौन सी रही है, प्रॉपर रेडी होने के बाद कौन सी बाइक अच्छी लग रही है। आपने पूरी वीडियो में पहले देखा ही होगा, अब तो अंधेरा हो गया है, लेकिन कमेंट्स करके बताना जरूर। मैं ये बोल रहा था सिटी में देखो इस तरह की लाइटें मिल जाती हैं, किस तरह लाइटें लगी हुई है, तो पूरा अच्छे से रोशनी रहती है, आराम से चला सकते हैं। कितने थे? 2520 ले जाए, 2520 ठीक है। लिए मैंने सेकंड टाइम फ्यूल फुल करा लिया है, वैसे मेरे टैंक में पहले था 2000 के करीब, फिर आया 950 का, और अब आया 2520 रुपए का। अनमोल और अभिषेक मेरे से काफ़ी आ गए, मैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गया था, वो रुके ही नहीं, तो वो तो बोल रहे हैं उन्हें 35 किलोमीटर बच रहा है, और मुझे जो है अभी 49 किलोमीटर। यहाँ से अयोध्या कितना दूर है? शुरुआत है अभी तो नगर जो है 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर लेकिन ये पहला बूथ यही है, ये प्रवेश द्वार है। और ये आ गया हमारा होटल, लेट लतीफ बेटा कल से रुकूंगा मैं किसी के लिए, कोई रुकना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लोकेशन नहीं भेज रहे, कोई कुछ नहीं, दो फोन किए हैं। अभी जो है ना टाइम 12:20 हो चुके हैं, और यहाँ पर हम अराउंड 9:15 आ गए थे, लेकिन उसके बाद एडिटिंग में लग गया। अभी एक वीडियो ही एडिट की है जो कि फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, और अभी सेकंड पार्ट भी करूंगा, और खाना भी आ गया है तो खाना खाकर सेकंड पार्ट एडिट करूंगा, लेकिन उसका एंड करना भूल गया था, जो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट लोग आपने देख लिया होगा, जो ये अभी एडिट किया है, जो इससे पहले वाला था, नहीं तो नहीं देखा है तो वो देख लेना, जब आपको दोनों पार्ट समझ आ जाएंगे। और ये रूम है जो इसका प्राइस सब कुछ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, अभिषेक के कज़न यहाँ रहते हैं, उन्होंने कराया था, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूछ के बता दूंगा। जब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, यार नींद आ रही है, लेकिन रात को एडिट करके जरूर सोऊंगा, जब भी दोनों वीडियो कल आ जाएंगी, मतलब शाम 7 बजे आप इसको देख रहे होगे, सुबह 9 बजे ये वाली वीडियो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ये एंड करता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, थोड़ी सी भी अगर मेहनत अच्छी लगती है तो वो लाइक कर शेयर कर कमेंट्स कर बता सकते हो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। No te va, ay no te va.